Hey guys, welcome back to my YouTube channel Baby Health Guide। दोस्तों अखरोट की गिनती ड्राई फ्रूट से की जाती है। ये कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे में बच्चों के भरपूर पोषण के लिए इसका सेवन काफी लाभकारी माना जाता है। हालांकि बच्चों को अखरोट देने से पहले माता पिता को इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि इसका सेवन बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है और कितना नहीं, और बच्चों को इसे खिलाने से कितने फायदे होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इनके फायदों के बारे में। नंबर एक, एनर्जी से भरपूर। दोस्तों अखरोट बच्चों के लिए एनर्जी बूस्ट का भी काम करता है। 100 ग्राम अखरोट में 667 किलो कैलोरी ऊर्जा मौजूद होती है। वही कैलोरी जो हमारे शरीर में जाकर ऊर्जा में प्रभावित होती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अखरोट का सेवन बच्चों को ऊर्जा का संचार कराता है, इसलिए आप इसे बच्चों को जरूर खिलाएं। नंबर दो, हड्डियों के लिए लाभकारी। दोस्तों अखरोट का सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। दरअसल अखरोट में ऐसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा अखरोट बच्चों में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। आपको बता दें कि अखरोट कैल्शियम से भी भरपूर होता है। वहीं कैल्शियम का 99% से अधिक भाग हड्डियों के साथ साथ दांतों के लिए भी अच्छा होता है, जो इन्हें मजबूत बनाने में काम करता है। इसलिए आप अपने बच्चों को अखरोट जरूर खिलाएं। नंबर तीन, दांतों को मजबूत बनाएं। दोस्तों बच्चों के दांतों को मजबूत बनाने के लिए भी अखरोट का सेवन कराना फायदेमंद माना जाता है। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हड्डियों के साथ साथ दांतों में कैल्शियम का भी लगभग 99% से अधिक भाग बच्चों के दांतों के लिए भी अच्छा होता है, जो उन्हें तंदुरुस्त बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऐसे में ये माना जाता है कि कैल्शियम से भरपूर अखरोट का सेवन कराना बच्चों के दांतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए आप अपने बच्चों को इसका सेवन जरूर कराएं। नंबर चार, पाचन में सहायक। दोस्तों अखरोट को बच्चों में पाचन संबंधी समस्याओं को दूर रखने के लिए लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि अखरोट में फाइबर होता है, वही फाइबर जो पाचन को मजबूत बनाने के साथ साथ कब्ज की समस्या को रोकने में हमारी हेल्प करता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अखरोट का सेवन बच्चों को पाचन संबंधी समस्याओं से दूर रखता है। नंबर पाँच, मोटापे का जोखिम कम करे। दोस्तों बच्चों के वजन को भी नियंत्रित करने में अखरोट हमारी हेल्प करता है। बताया जाता है कि एक अखरोट लगभग 2 ग्राम फाइबर से भरपूर होता है। वहीं 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि फाइबर का सेवन बच्चों के मोटापे के जोखिम को कम करने में हमारी हेल्प करता है। नंबर छह, एनीमिया से बचाने में मददगार। दोस्तों बच्चों में एनीमिया के जोखिम को कम करने में भी अखरोट सहायक भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें कि एनीमिया का एक मुख्य कारण शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन की कमी को भी माना जाता है। वहीं अखरोट में पर्याप्त मात्रा में आयरन मौजूद होता है, इसलिए आप अपने बच्चों को एनीमिया की बीमारी में इसे जरूर खिलाएं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।